हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज एंड फुटवेयर अपडेट्स। आज बेसिकली गाइस, जो मैंने मंगाया है ना स्लीपर्स, इट्स बेसिकली पीयू सोल के स्लीपर्स। ठीक है, ये बेसिकली जो स्पार्क्स टाइप के जो फेब्रिकेशन रेंज होती है ना गाइस, उस टाइप के स्लीपर्स नहीं है। ये बेसिकली जो चप्पल कैटेगरी में जो स्लीपर्स होते हैं ना, मतलब पीयू सोल के स्लीपर्स, मैंने वो मंगाया है बेसिकली। ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों मंगाया है मैंने। यहाँ पे एक तो है वीकेसी का और एक है पैरागॉन का। ये गाइस मानो मेरी बात, बहुत ही इकोनॉमिक रेंज में मंगाए गाइस। ये 250-300 रुपए के आसपास में आपको एकदम रफ एंड टफ स्लीपर्स, जो कि आप बारिश में भी चपा चप पहनो, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी इसमें। इट्स नॉट जस्ट बारिश, बेसिकली ऑल सीजन है, लेकिन बारिश में इसके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। और गाइस, जितने भी ये स्पार्क्स टाइप के कैटेगरी के जितने भी स्लीपर्स होते हैं ना, मैं बेसिकली पर्सनली यही कहता हूँ हमेशा मेरे व्यूवर्स को, मेरे ऑडियंस को, या मेरे रिटेलर्स को, या मेरे जो भी जो मुझे फॉलो करता है बेसिकली, कि स्पार्क्स टाइप के स्लीपर्स हमें उस जगह पे कम ही पहनने चाहिए या फिर नहीं पहनने चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी से लेन देन होता है। मतलब अगर पानी ज़्यादा क्लॉग है, पानी पूरा भरा हुआ है, वहाँ पे अगर आप स्पार्क स्लीपर ज़्यादा पहनेंगे ना गाइस, तो उसके वारंटी में बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। और ये स्लीपर, ये पीयू सोल के स्लीपर, जो कि रेक्सिन का जिसका अपर होता है और रेक्सिन का जिसका बॉटम होता है, ये बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक उस कठिनाइयों को पार कर देता है। बहुत ही इकोनॉमिक बजट में 250-300 रुपए के आसपास। आई नो मेरे जो एज ग्रुप वाले सब्सक्राइबर है ना, जो ये 25 से लेके 30 से लेके 35 तक, उनको तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ही लगने वाले गाइस, क्योंकि आपकी जो भी ये इकोनॉमिक रेंज में जो सर्च है ना, ये दो ब्रांड में मैंने सेटिस्फाई कर दिए। हाँ, अगर आपको ये नहीं भी पसंद आते ना, तो टेंशन मत लो, पसंद तो 100% आएगा ही। अगर नहीं भी आएंगे तो मैंने इसके अलावा भी मंगाया है फ्लाइट के मैंने मंगाया है, एशियन ब्रांड का मंगाया, और एक कोई ब्रांड का मंगाया जो कि 500 रुपए के आसपास पीयू सोल ही था, मैंने मंगाया उसको, कंपेयर तो करे भाई। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस। चलो आ जाओ। हे गाइस एंड वेलकम हियर। ये देखो, बेसिक में कोई इस कंडीशन पे आया है दोनों, ये विकेसी है, इसमें मैंने है पैरागॉन का मंगाया। अभी एक चीज सुन के आपको बहुत स्ट्रेंज हो जाएगा गाइस, कि दिस वीडियो आई एम शूटिंग इट फॉर द सेकंड टाइम। अब आप सोच रहे क्यों सेकंड टाइम शूट करा रहे यार, मैंने पहली दफ़ा शूट किया ना भाई, तो मैंने शायद एक गलती ये कर दी ना, कि मैंने यार वो कैमरा बिना बंद किए ही मैंने मेमोरी कार्ड उसमें से निकाल लिया लैपटॉप में ट्रांसफर करने के लिए, और फाइल करप्ट हो गई यार, एकदम डिसहार्टेंड हो गया। मैंने बोला यार वापस सेम प्रोडक्ट रिव्यू करो, मैंने बोला करेंगे गाइस, क्यों नहीं करेंगे यार। ठीक है गाइस, इस कंडीशन में बेसिकली आया है, आई विल शो यू द स्पेसिफिकेशन फॉर दिस स्लीपर। पहले इसका अपन डिटेल देख लेते क्या, 6790 इसका आर्टिकल नंबर है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ये डालो, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो उसको लेके ये वीडियो दिखाओ उसको दुकानदार का, अरे भाई मेरे को यही दे। ठीक है, इसका MRP है 309 रुपये, size 8 आई हैव ऑर्डर्ड, एंड यू कैन चेक आउट द मैन्युफैक्चरिंग April 2021। बहुत तरोताज़ा प्रोडक्ट हमको आया है। ठीक है, इसको पीछे कर दो अभी। अब ये है अपने पास वेकेसी, जो कि केरला बेस्ड कंपनी, ये भी केरला की है। दोनों बहुत ज़्यादा कट्टर कंपिटिटर्स है एक दूसरे के। ठीक है, और यू कैन चेक आउट ये गाइस, ये है W1030 आर्टिकल नंबर, ये मैंने 8 नंबर मंगाया था बेसिकली। इसकी MRP है 289, एंड ये कब की मैन्युफैक्चरिंग है, Feb 2021। ठीक है, अब देखो गाइस, एक है 289 का और एक है 309 का, कितना फ़र्क है, 90, 100, 10, 30 रुपये का खाली फ़र्क है इसमें। ठीक है, और हम देखेंगे 30 रुपये का फ़र्क जस्टिफाइड है कि नहीं। अब देखो भाई, वैसे तो 30 रुपये का फ़र्क नथिंग होता है, बट स्टिल हम फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले गाइस, ये वीकेसी का मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये जो पीयू की जितनी भी पैकिंग आती है ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल पैकिंग आती है वैसे। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता, एकदम बॉक्स अंदर डाल दिया, भाई निकलो कंपनी से, बिक जाओ, चलो टाटा बाय बाय, बॉक्स नीचे रख देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है गाइस। और अभी हम निकालेंगे पैरागॉन। ये तो भाई कंपनी तब से है ना भाई, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, समझ रही है? इसको रिव्यू करने वाला अपन कौन है यार, अपन कोई नहीं है भाई। इट्स जस्ट कि हाँ भाई ठीक है, एक तसल्ली दे रहे अपने आपको कि हम रिव्यू करते, बाकी दे आर द बेस्ट पैरागॉन वीकेसी, मतलब दे आर द बेस्ट गाइस, मैं क्या बोलूँ, मतलब समझो, मतलब बींग अ फुटवेयर ट्रेडर गाइस, इनका माल है ना मक्खन बिकता है मार्केट में, मक्खन, आप समझ रहे हो। दुकानदार को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता, हाँ भाई डिस्प्ले पे लगा, कस्टमर आके लेके जाते हैं। दिस इज द बिल दैट आई एम गेटिंग विद दिस, एंड दिस आर द पीयू सोल स्लीपर्स। अब मैं बार बार पीयू क्यों कर रहा हूँ ना गाइस, वो बता देता हूँ मैं आपको, पीयू क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो सोल का मटेरियल है ना, इसको पीयू बोलता हूँ अपन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी है, यू कैन गूगल इट आउट, पीयू सोल, यू कैन गेट देयर एडिशनल डिटेल इफ़ यू वांट। ये पीयू सोल होता है, इसमें खासियत ये होती है कि इसमें बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होता। यस, यू हैड इट राइट गाइस, आप जब चलेंगे ना इस पर और ये पहन के अगर दौड़ेंगे भी ना, तो आपको कीचड़ वीचड़ नहीं उछलेंगे भाई,
आपका पैंट बिल्कुल भी दागी नहीं होगा पीछे से, और ना ही आपके घर वाले चिल्लाएंगे क्या रे तो क्या पहन के गया था बे। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको पैरागॉन का कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ, ये चेकआउट किए गाइस, पैरागॉन पैरागॉन पैरागॉन। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब ये कंपनी अपना माल बेच रहा था गाइस, और आज हम पैदा हो गए, बड़े हो गए और हम इसे रिव्यू कर रहे हैं गाइस। आप देख लिया इसको, अभी विकेसी का जो पैर है इसका मैं कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ। मतलब ये बहुत टफ होते हैं गाइस, आप मानो मेरी बात, ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, मतलब रिमोट एरियाज में ये बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड होते हैं, बिकॉज वहाँ के जो भी है रोड्स कंडीशंस बोलो, बहुत ज़्यादा हार्डकोर यूज़ होता है ना रिमोट एरियाज में बेसिकली, क्योंकि लोग दिन भर यही पहनते हैं। अब दिन भर यही पहनेंगे तो दे नीड समथिंग मजबूत, ताकि उनको ना लगे कि उनके 250-300 रुपए वेस्ट हुए। सो गाइस अगर पैरागॉन की अगर हम बात करेंगे ना, बात करने वाले हम कोई नहीं, हम छोटे लोग हैं, ठीक है अब एडजस्ट करना, फिर भी हम ऐसे बोलते हैं तो। अब पैरागॉन की अगर रेक्जिन की अगर बात करो ना गाइस, तो काफ़ी ज़बरदस्त रेक्जिन हुई। चेक आउट द मटेरियल गाइस, मटेरियल की थिकनेस बहुत ज़बरदस्त है, और ये मतलब देखने से ही फीलिंग आती है गाइस कि अगर मैं पैर में डाल के पहनूँ ना तो कम से कम 6 महीना तो आराम से चलेगी, एकदम रफ यूज़ में भी गाइस, और अगर आप बहुत ही कम यूज़ करते हो ना तो भाई ये साल भर आराम से खींच लेती है। अब गाइस ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ मतलब ये नहीं है कि उतनी चलनी ही चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर यूसेज, बट दिस आर गुड ब्रांड्स, तो ये डेफिनेटली काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती ही है। अगर बॉटम रेक्जिन की बात करूँ तो यार यूजिंग अगेन रेक्जिन ईयर। सॉफ्टनेस की बात करो ना तो, और एक चीज़ बता दूँ कि ये टाइप के जितने भी स्लीपर्स होते हैं ना, पीयू सोल के स्लीपर्स, जो कि रेनी वेयर बोलो या ऑल सीजन वेयर बोलो, इनमें बेसिकली ऐसा नहीं सब में, कुछ कुछ आर्टिकल्स में ना यहाँ पे सॉफ्टनेस मिसिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह टाइप अगर होता है ना, तो आई वोंट रिकमेंड दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें डेफिनेट सी बात है, आप जब इसे पहनेंगे, आप जब चलेंगे ना, तो आपको वो एक हार्डनेस फील आपके पैर में डेफिनेटली होगी, लेकिन आप एकदम स्वस्थ, आपके पैरों में कोई दिक्कत ही नहीं है, जाते हैं हार्ड कोर हो, आपका पैर एकदम हार्ड कोर है, तो आप बिंदास लो, दौड़ो इसको लेके, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब गाइस मैं इसकी विकेसी की बात करता हूँ, ठीक है, तो विकेसी का भी सेम स्पेसिफिकेशन है गाइस, इसमें कुछ इतना कोई डिफरेंस है ही नहीं मटेरियल में, 30 रुपये के डिफरेंस में क्या डिफरेंस देंगे लोग। हियर ऑल्सो दे आर यूजिंग रेक्जिन बेसिकली बॉटम पे, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी रेक्जिन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे निवार यहाँ पे आ गई है, और निवार से एक अपर को बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथ मिल जाती है, आप समझो ये फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर हो जाता है मतलब इसमें, मतलब वेयर एंड टियर बहुत लंबे टाइम पे आता है इसमें, मतलब काफ़ी अच्छी चलती है। यू कैन चेक आउट ये ब्रांडिंग देख लेते गाइस, यहाँ पे यू कैन चेक आउट ये वकारू ब्रांडिंग ओवर हियर, यू कैन चेक आउट द लोगो हियर, सोल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वकारू, ठीक है 8 नंबर मंगाया था, 8 नंबर लिखे। पैरागॉन की ब्रांडिंग देख लेते गाइस, यू कैन चेक आउट ये द लोगो पी ओवर हियर, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेक आउट हियर, यहाँ पे ये अलग से रेक्जिन यहाँ पे स्टिच की गई है, पैरागॉन लिखा है इस पर, एंड यू कैन चेक आउट द आर्टिकल नंबर ओवर हियर, तो आप जो ऑर्डर करो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप प्रॉपर यही आर्टिकल पे लैंड करोगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा बेसिकली आपको, ठीक है। लेकिन चेकआउट ही है गाइस, यहाँ पे भी सोल का पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे लिखा है देखो। अगर गाइस आप दोनों के यहाँ बॉटम की बात करेंगे ना, तो आपको दोनों में यहाँ पे स्टिच टाइप बॉटम मिल जाता है, लेकिन चेकआउट ही है, चारों बाजू में यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, सेम विद दिस वन सब बाजू में स्टिच किया हुआ है, तो कोई भी इतना मेजर इसमें गाइस डिफरेंस है, इट्स अबाउट द लुक, इफ यू गाइस लाइक दिस टाइप, अगर आपको इस टाइप का पसंद है जिसमें ज़्यादा ब्रॉड अपर चाहिए, या आपको इस टाइप का जहाँ पे वो रीजनेबल अपर चाहिए गाइस, तो आप अकॉर्डिंगली आप चॉइसेस इसमें डेफिनेटली कर सकते हो। सो गाइस फटाफट हम पहन के देखेंगे, पहले हम पैरागॉन एक बार पहन के देख लेते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक बेसिकली, और क्या ये लेना सही है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन कोई बोलता है ना, तो दो झापड़ मारना, क्योंकि पैरागॉन है भाई, ये बोलना आपको हक ही नहीं है कि अच्छा है या नहीं, दे आर द बेस्ट वन गाइस। लेट्स चेक द फिटिंग ऑफ गाइस, ये मैंने 8 नंबर है मेरा, एकदम 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 कट टू कट, आप देख रहे ना, मतलब मजा है एकदम जगास, ठीक है कट टू कट है। लुक वाइज भी यू कैन सी ये थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा फॉर्मल लुक ज़्यादा देता है, बट जीन्स वीन्स में भी अगर आप इसे पहनेंगे ना, तो मेरे ख्याल से एकदम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की फीलिंग आती है गाइस। और थोड़ा सा वॉक करके भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है नया नया होता है ना बेसिकली ये पीयू चप्पल वगैरह, तो थोड़ी सी इस पर क्या ये लोग है ना यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह मारते, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका पैर डेफिनेटली पाते इनिशियली थोड़ा सा स्लिप करेगा, बट उसको आप इग्नोर करना, ठीक है एक दो दिन पहनेंगे ना तो वो अपनी औकात पे आ जाएगा स्लीपर, ठीक है। इसके अलावा ये पीयू सोल के स्लीपर की एक और पीयू सोल के जितने भी चप्पल होते हैं उसकी खास बात ये होती है ना गाइस, कि अगर सपोज ये 8 नंबर होता ना, अगर मैं कोई अपर पर थोड़ा टाइट भी अगर होता थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो डेफिनेट सी बात है आप सिर्फ 2 दिन इसको पहनोगे ना कंटिन्यू, तो डेफिनेट सी बात है वो ऑटोमेटिकली उसका शेप ले लेता है, ठीक है, तो आपको लेटर ऑन 2-3 दिन बाद ना आपको कम्फर्ट आना स्टार्ट हो जाता है उसमें। ये देखो गाइस ये है पीकेसी, अब ये देखो ये जब मैंने पैर डाला ना थोड़ा सा हार्ड शेप जा रहा है अंदर, बट यू कैन चेक आउट द लेंथ, लेंथ बराबर है ना, अगर लेंथ बराबर है तो गाइस ये अगर थोड़ा सा टाइट है ना तो इट्स ओके, नॉट ए बिग डील, क्योंकि ये 2 दिन है जैसे मैं पहले ही कहा आपको,
2 दिन में अपने औकात पे आ जाएगा और अपने पैर एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा गाइस, ठीक है। एंड दिस कलर इज लुकिंग गुड बेसिकली, राइट, नेवी ब्लू, मतलब पहनने में काफी अच्छा फीलिंग है और एक हाँ अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, ठीक है। सो गाइस होप अब तक तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही इकोनॉमिक रेंज 250-300 रुपए के आसपास ये स्लीपर्स है, रफ एंड टफ है, रेनी सीजन है, ऑल सीजन है, बारिश में आपके इसके पैसे वसूल हो जाएंगे, ठीक है, आराम से। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अमेजोन का, अगर आपको अमेजोन से नहीं खरीदना तो इट्स ओके, नॉट ए बिग डील गाइस, यू गो नियरेस्ट रिटेल आउटलेट, उसको वीडियो दिखाओ भाई मेरे को यही स्लीपर बता, मेरे को यही स्लीपर चाहिए, अगर और कुछ दिखाए तो उसको बोलना भाई मैंने आरपी रिचवेयर का रिव्यू देख लिया है भाई, तो ऐसा कुछ भी मत चिपका, हमारा तो यही स्लीपर चाहिए, उसको ऐसा ही बोलना। सो गाइस इस तरीके से मैं आपके सामने काफी सारे फुटवेयर के रिव्यू लेते आता रहूंगा, ताकि आप फुटवेयर का तो टेंशन लो ही मत, मैं हर बार बोलता हूं फुटवेयर का टेंशन मत लो, आपको कुछ भी कंफ्यूजन है फुटवेयर में आप मेरे को बोलो, मेरे को डीएम करो इंस्टा पे, वीडियोस पे कमेंट करो कि अरे भाई ये क्या लू क्या लू क्या लू, आई विल डेफिनेटली कमेंट यू, ठीक है। इस तरीके से गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलना, और मैं इस तरीके से काफी वीडियोस लेता आता रहूंगा, और आपके होम पेज में मुझे जगह देना तो चैनल सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।